नमस्कार। शिवाजी महाविद्यालय के अंतर्गत शिवाजी भोसले प्रतियोगिता, जो हर वर्ष की भांति इस बार भी संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता हम करा रहे हैं, उसके नवम संस्करण में जो नए बदलाव आए हैं उसके बारे में हम पूछते हैं। जो हमारे निर्णायक के रूप में इस बार हमारे साथ जुड़े हैं ऋतुराज भैया, जो पिछले साल की जो संसदीय वाद विवाद शिवाजी महाविद्यालय की तर्क वितर्क प्रतियोगिता हुई थी उसके विजेता भी रहे हैं, तो उनसे जानते हैं कि जो बदलाव हुए हैं वो बदलावों को किस प्रकार से देखें। सबसे पहले तो दिग्गम वाद विवाद समिति का विशेष आभार। जिस तरीके से ये वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कराते हैं वो दीवू वाद विवाद सर्किट में अपने आप में एक मानक है। इस बार मैंने ट्रॉफी देखी कि इतनी बड़ी ट्रॉफी आई है और इतनी सुंदर ट्रॉफी है चल रही की। साथ ही जो ट्रेनिंग एजेस का जो कंपटीशन नया इसमें रखा गया है ये भी बहुत प्रशंसनीय पद है। इससे क्या होता है कि बच्चों में डिबेट के अलावा निर्णय करने की शक्ति भी आगे डेवलप होती जाती है, तो इसलिए ये दोनों चीज़ें जो है बहुत अच्छी हैं और समय पर भी जो है विशेष रूप से हो रहा है, तो ये समय का पालन भी आप कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनके लिए भी इसमें सहूलियत होती है। और भैया, जो आप लास्ट ईयर में एज अ पार्टिसिपेंट आए थे और इसको जीतना और इस समय निर्णायक रूप में आना, किस प्रकार से आपको एक अलग अनुभूति? निश्चित रूप से किसी भी प्रतियोगिता में या किसी भी कॉम्पिटिशन में अगर आप पार्टिसिपेंट के रूप में जब भाग करते हैं और आप करते हैं